गाइस, क्या आपको पता है गदर फिल्म में पहले सनी देओल की जगह गोविंदा को अप्रोच किया गया था, यहाँ तक कि अमीषा की जगह काजोल को। लेकिन इन खबरों में कितनी सच्चाई है आइए जानते हैं। मैं इतनी अच्छी अच्छी न्यूज लेकर आता हूँ लेकिन कोई लाइक नहीं करता। एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए यार। साल 2001 में गदर फिल्म के रिलीज होने के बाद गोविंदा ने एक इंटरव्यू में कहा कि बहुत साल पहले इस रोल को मुझे ऑफर किया गया था लेकिन मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। सनी देओल से पहले उन्हें तारा सिंह के रोल के लिए अप्रोच किया गया था। इसके साथ ही फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि जब मैंने फिल्म की कहानी गोविंदा को सुनाई थी तो वो डर गए थे। काजल को मैंने लीड एक्ट्रेस के लिए कॉन्टेक्ट किया था लेकिन अमीषा पटेल को ही फाइनल किया गया। जब इन खबरों को जोर मिलने लगा तो डायरेक्टर अनिल शर्मा ने बॉलीवुड हंगामों को दिए इंटरव्यू में इन दावों को खारिज कर दिया। अनिल ने कहा था गोविंदा को तारा सिंह के लिए फाइनल नहीं किया था। हाँ, कहानी जरूर सुनाई थी, मैं उन्हें गदर नहीं बल्कि महाराजा के लिए निर्देशित करना चाहता था। तब मैंने इसकी कहानी सुनाई होगी और इस वजह से उन्हें ऐसा लगा होगा और गलतफहमी हो गई होगी।